पाकिस्तान याद आता है हाँ जी बहुत याद आता है पाकिस्तान मुझे बहुत याद आता है मेरे दो, साल आप फरमाया आपने डेढ़ साल से सॉरी सॉरी uh, नहीं मैं मुझे सेवन इयर्स यहाँ हो गए हैं स्पेन में okay. लेकिन मुझे जॉब करते ढाई साल हुए uh, और मैं यहाँ पे डील कर रही हूँ कितने घंटे जॉब करती हैं मैं नाइन टू फाइव जॉब करती हूँ बाकी मैं सोशल मीडिया हैंडल करती हूँ कॉन्सुलेट का तो उसके लिए मैं ट्वेंटी फोर आवर्स मुझे अवेलेबल होना होता है लेकिन वो ऐसा सच कोई मेरे वर्किंग आवर्स नहीं है तो सर्व करने में भी बहुत खुशी होती है काम सीखने में बहुत खुशी होती है और दूसरी तरफ डेफिनेटली पाकिस्तान की बहुत याद मैं तो मेरे पास सारे ऐसे केसेस आते हैं जिनको जो आउट ऑफ द लॉ जाके आउट ऑफ द वे जाके उनकी मदद करनी होती है तो मेरे पास ऊपर भेजे जाते हैं दो सालों में कितनी दफ़ा पाकिस्तान गई एक बार एक बार जी अस्सलाम वालेकुम जी।, जी मेरा नाम अलिशेर और आप देख रहे हैं पंजाब यूरो टीवी जैसा कि आपको पता है कि हम स्पेन में हैं और आज हम अपने कौनसलेट में मौजूद हैं जो कि बार्सिलोना में वाक़ है यहाँ पे जी। हमारी जी। कुछ हम उनसे बात करेंगे कि वो कब से ये खिदमत सर अंजाम दे रही हैं और कहाँ से उन्होंने तलीम हासिल की और कब से यहाँ पर वो आई हैं सो हम गुफ्तु का आगाज़ करते हैं असल जी वाईक असल बहुत शक्रिया मैडम आपका टाइम देने का फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो अपना नाम बताएँ Uh, मेरा नाम सहर मोइन है एंड आई एम आई एम वर्किंग एज एन अकाउंट्स ऑफिसर इन कॉन्सुलेट जनरल पाकिस्तान बार्सिलोना और मैं यहाँ पे पोस्ट हुई थी अक्टूबर 2019 में सो इट्स लीडरशिप ऑफ कॉन्सुलेट जनरल कैसा एक्सपीरियंस है आपका यहाँ पे काम करने का यहाँ पे uh, काम करने का सोफार बहुत अच्छा रहा बहुत ही अच्छा Uh, थोड़ा सा अगर डिटेल में बताऊँ तो ये मेरी फ़र्स्ट uh, मिशन जो है हमारे फॉरन uh, ऑफिस की तरफ से दिस इज़ माई फर्स्ट पोस्टिंग अब्रॉड और मैं यहाँ पे बेसिकली अकाउंट्स डिपार्टमेंट को डील कर रही हूँ प्रीवियसली आई हैव डन माय मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद उसके बाद जब मैं यहाँ पे पोस्ट हुई हूँ अभी दो अरसा दो साल हो गए हैं और इस पूरे दो सालों के टाइम uh, में अगर देखा जाए तो आई एम वर्किंग अंडर द लीडरशिप ऑफ कौनस जनरल इमरान अली चौधरी पहला एक्सपीरियंस है सर के साथ काम करने का uh, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और अगर मैं एक uh, नट में कहूँ तो सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है जी। जी। डिटेल्स में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं बट अगर कवर करना चाहूँ तो इतना कुछ सीखने को मिल रहा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं और या किसी और मिशन में होती तो इतना कुछ सीखने को मिलता सीखने के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं तो एक बींग ऑन माई फर्स्ट मिशन एक बहुत ही फास्ट और यू कैन से टफ लर्निंग बेहतरीन एक्सपीरियंस जा रहा है कितने घंटे जॉब करती आप गवर्नमेंट की तरफ से नाइन टू फाइव टाइमिंग है लेकिन हमारी यहाँ पे मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि हम 24/7 काम करते हैं आज संडे है आज और आज भी ये काम कर रहे हैं ठीक अच्छा अमूमन एक प्रसप्शन पाया जाता पाकिस्तान को लेके या पाकिस्तानी खातान को ले, को ले और बदकस्मती से कुछ इसमें हकीकत भी है। पाकिस्तानी ख़वान को घर से परमिशन नहीं मिलती पढ़ लिख के वो हाउसवाइफ बन जाती हैं या घर में तो आपकी फैमिली ने बसानिया इजाज़त दे दी थी आपको कि आप जाएं करें जो भी आप चाहती हैं ज़िंदगी में आ, पहले तो मैं आपकी इस बात पे कमेंट करना चाहूँगी कि जो परसेप्शन की आपने बात की है हम यहाँ पर बैठे हुए आपने पहले देख चुके हैं आप कौनसलेट की वर्किंग देख जी, जी, चुके हैं आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस कौंसलेट में मेल से ज़्यादा फीमेल है, वो काम कर रही हैं तो हम यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं वो परसेप्शन ही को हमने चेंज करना है हम यहाँ पे काम कर रहे हैं हम यहाँ पे सर्व कर रहे हैं कम्युनिटी को चाहे वो बच्चे हैं मेल हैं फीमेल हैं कहीं से भी आते हैं नॉट ओनली फ्रॉम स्पेन बट फ्रॉम अदर कंट्रीज इन यूरोप ये कॉन्सलेट सब लोगों के लिए खुला और यहाँ पे फीमेल्स बहुत ज़्यादा तादाद में और वो बहुत आसानी से हम कह सकते हैं कि हमने इस परसेप्शन को ग़लत करना है और रही अगर मेरी बात तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमें किसी ने रोका है सबसे ज़्यादा इस परसेप्शन को चेंज करने में पॉइंट ये आता है कि आप ये परसेप्शन ही ख़त्म कर दें कि सिर्फ लड़कों ने ही सर्व करना है जाके मेल्स नहीं सर्व करना है नहीं फीमेल्स को भी आपने तालीम देनी है उनको अवेयरनेस देनी है मैं यहाँ पर इसी लिए बैठी हूँ क्योंकि मैंने फ़ोकस किया इन चीज़ों पर अपने करियर पर अपनी स्टडीज़ पर और जो लोग देख रहे हैं फ़ीमेल्स को भी मेरा यही बिल्कुल एक पैगाम यही होता है कि पीछे नहीं कभी हटना कि हम नहीं कर सकते हम पैरेलल नहीं चल सकते सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपको आगे चीज़ लेकर जाती है वो आपकी तालीम है एजुकेशन है वो चाहे आप मेल के लिए बात करें या फीमेल के लिए बात करें अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह होती हैं बट यू हैव टू अर्न इट आपने मेहनत करनी है उन चीज़ों के लिए तो हमारा यहाँ पे बिल्कुल हिसाब किताब यही है हम लोग काम करते हैं सर्व करते हैं फीमेल्स हमारे साथ काम कर रही हैं हम हर बंदे से डील करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन बेहतरीन कौनसलेट के तौर पे हम इसको पेश कर रहे हैं सबके okay. सामने okay. चलें एक टॉपिक से हटके मैं सवाल आपसे करता हूँ यहाँ पे दिल लग गया यहाँ पे अपने मुल्क से दूर दियारे गैर में जॉब करना और अपने मुल्क के लिए सर्व करना लोगों के लिए चले ये यह तो एक है ही लेकिन जान के अपनी एक फीलिंग्स भी होती हैं तो क्या फ़ील करती हैं थोड़ा सा शेयर करें अम, ये आपने ना बहुत मुश्किल से सवाल कर लिया दो इसमें राय हो सकती हैं देखिए कोई भी बंदा अपनी फैमिली से दूर होता है आ, अपने बहन भाइयों अपने माँ बाप से बहुत एक नेचुरल फिनोमेना है कि वो उनको मिस करता है ऐसा नहीं हो सकता तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं मिस नहीं करती मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ हर रोज़ हर टाइम तो दूसरी बात यह कि यहाँ पर मैं अपने जॉब की वजह से हूँ मैं अपने मैं अपना करियर बिल्ड कर रही हूँ जो कि मैंने सोचा हुआ है मैंने अपनी आपने मुझे तालीम की बात ज़िक्र जैसे मैं कर चुकी हूँ तालीम हासिल की कि यहाँ तक आ सकूँ ठीक है तो फिर वही बात कि आपने कुछ पाने के लिए आपको कुछ सैक्रीफाइज करने पड़ते हैं है? अलहदुल्ल मैम अपना नाम बताए मेरा नाम आमना उमर है आमना उमर साहेबा कितनी देर से आप यहाँ पे कौंसलेट में जॉब कर रही हैं मुझे ढाई साल हो गए यहाँ पे जॉब करते हुए पहले मैंने एज ए वॉल्टियर स्टार्ट किया था और उसके बाद फिर मैं बाद में मैंने जॉब स्टार्ट किया है जॉब स्टार्ट किया मुझे डेढ़ साल हुआ है डेढ़ साल यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस है आपका मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तीनों बच्चे माशाल्लाह स्कूल गोइंग है सो अम, मेरी उनके उनको लेके भी जिम्मेदारियाँ हैं लेकिन अब वो चूँकि वो तीनों स्कूल जाते हैं तो मेरे पास इतना टाइम है कि मैं जॉब कर सकूँ

सर uh, हम सर हमें लेके बहुत अकोमोडेटिव हैं स्पेशली जो लेडीज़ यहाँ पे मैरिड हैं उनको लेके उनको पता है कि हमें हम लेट भी हो सकते हैं हम उनसे बेवक्त छुट्टी भी मांग सकते हैं तो हमें भी उनके लिए अकोमोडेटिव होना चाहिए सो so, जब वो कभी हमें कहते हैं तो हम आ जाते हैं लेकिन इस जो लोग संडे को ड्यूटी करते हैं यूजुअली उनको अल्टरनेट छुट्टी विद इन वीक दी जाती है ऑफिस में ख़वान की तादाद ज़्यादा होने की बहुत सारी वजूहत हैं लेकिन उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो औरतें जब जो हमारे एप्लीकेंट्स लेडी एप्लीकेंट्स आती हैं उनके लिए आसान होता है कि वो औरतों के साथ आराम से बात कर सकती हैं वो उनको खुल के अपनी प्रॉब्लम बता सकती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जो लेडीज़ है हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल हैं कंपैरेटिवली मैन आई डोंट नो मे बी लेकिन मुझे ऐसे लगता है हाँ जी मैं पूरी हेल्प करती हूँ मेरे पास सारे ऐसे केसेस आते हैं जिनको जो आउट ऑफ द लॉ जाके आउट ऑफ द वे जाके उनकी मदद करनी होती है तो मेरे पास ऊपर भेजे जाते हैं जो मैं सी जी साहब से कंसल्ट करके तो अपनी पूरी कोशिश करती हूँ उनकी मदद कर सकूँ लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें लॉ के अंदर रह के भी आपने करना होता है लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता भी होगा कि शायद हम उनकी मदद नहीं कर सके लेकिन उसकी रीजन ये होती है कि वो बिल्कुल ही ऐसी बात कर रहे होते हैं जो कि हमारे हाथ में होती नहीं है ना लेकिन पाकिस्तान याद आता है हाँ जी बहुत याद आता है पाकिस्तान मुझे बहुत याद आता है मेरे... दो ढाई साल आप फरमाया आपने के ढाई साल से आप यहाँ पे हैं डेढ़ साल से सॉरी सॉरी नहीं मैं मुझे सेवन इयर्स यहाँ हो गए हैं स्पेन में लेकिन मुझे जॉब करते ढाई साल हुए ठीक और सेवन इयर्स में आप कितनी दफ़ा पाकिस्तान गई हैं मैं चार पांच दफ़ा पाकिस्तान गई हूँ सिर्फ हाँ हाँ आपके फैमिली और बच्चे इधर ही हैं हाँ जी मेरे हस्बैंड यहीं पे होते हैं और बच्चे भी लेकिन मेरे पेरेंट्स जो हैं मेरे जो इन लॉज हैं वो सब पाकिस्तान में होते हैं दिल लग गया यहाँ पे हाँ जी सर आ, कुछ चीजें होती हैं जो मजबूरी के तहत आपको करनी पड़ती हैं जैसे मेरे बच्चों का फ्यूचर हो गया मेरे हस्बैंड की जॉब यहाँ पे है सो मुझे दिल लगाना पड़ेगा अब okay. बच्चों के okay. फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वालदा जो है वो बाहर निकले जबान सीखे उसको सब कुछ आना बहुत जरूरी है और मैंने देखा है स्पेन में यहाँ पे सेवेंटी फाइव परसेंट लोग तो अपनी फैमिली को अलाउ करते हैं कि वो जाए okay. और जाके सीखें okay. बहुत शुक्रिया आपके टाइम का बहुत शुक्रिया जी ये मेरी आज की वीडियो थी बार्सोलोना से कौंसलेट में हम मौजूद हैं हमारी खुतिन हैं ये हमारा फख्र है और हमने आपको मिलवाया इनसे बात की कि ये किस तरह कैसे अपने फ़राय सर अंजाम दे रही हैं सो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें पाकिस्तान पाइंदाबाद